एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, यूबीएल के अंदर ब्रांच मैनेजर, उसके अलावा ब्रांच सर्विस ऑफिसर, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर और रिलेशन मैनेजर, रिटेल बैंकिंग वगैरह की बहुत सी वैकेंसी यही है। आप सबके लिए बेहतरीन मौका है यूबीएल को ज्वाइन करने का। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या हो सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पेपर के लिए अहम बुक्स कौन सी हैं, टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स और वेबसाइट जहां से पेपर आ सकता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखें, यकीनन आपको फायदा होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये स्टेट बैंक जो टेस्ट लेता है और OJEE 1, 2, 3 वगैरह का, तो उसी के रिलेटेड है और तकरीबन ये भी इसी तरह का ही पेपर कंडक्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको पता ही नहीं है सिरे से कि किस तरह पेपर हो सकता है। ये 100% नहीं है कि यही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह सिलेबस होगा, लेकिन ये आपको इससे हिंट जरूर मिल जाएंगे। इंग्लिश दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग के किसी भी टेस्ट में, 40% के करीब इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद एनालिटिकल क्वान्टिटेटिव स्किल्स और जनरल इंटेलिजेंस के रिलेटेड 30% के करीब क्वेश्चन आते हैं, और पाकिस्तान इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर रिलेटेड 30% के करीब क्वेश्चन आते हैं। ये सिलेबस है, ये आगे पीछे भी हो सकता है और तकरीबन आई थिंक यही होगा। इसके अलावा हो सकता है वो ज्यादा इंग्लिश और दूसरी चीजों पे फोकस रहे, लेकिन ज्यादा चांसेस है। उसके अलावा दोस्तों, बुक्स और वेबसाइट जहां से जो आप तैयारी करें इंग्लिश के लिए, दोस्तों क्रैम ग्री, ये एक जो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से एग्जामिनेशन, ये बुक अच्छी है और इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा आप जो है बेसिक ग्रामर को रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, इसके रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के हवाले से जो है ग्री मैथ के हवाले से एक बुक मिलती है, वो ले लें, या इंडियन बिक्स वेबसाइट है, वह भी बेस्ट वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जनरल नॉलेज जो है वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता, वैसे pakmcqs.com testpoint.pk बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ से आपका ये बी पोर्शन अच्छी तरह क्लियर हो सकते हैं। रेगुलरली दोस्तों हमारा चैनल और पास्ट पेपर देखते रहेंगे, OJEE 2, 1, 2, 3 के रिलेटेड जो भी पास्ट पेपर है वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और बुक इसके लिए कोई भी बुक अच्छी होती है जो, तो आपको जीके वगैरह के रिलेटेड, लेकिन बेस्ट आई थिंक ऑनलाइन तैयारी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं तो आप इंसाइक्लोपीडिया जीके का ले लें, या वन पेपर बुक ले लें, या कोई भी पास्ट पेपर की PPSC या FPSC ले लें, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां से भी आप ये बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पास्ट पेपर और सैंपल पेपर ये आपके मार्क्स चेंज कर सकते हैं और आपका माइंड स्टेटस भी, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस तरह का पेपर आएगा, ये पास्ट पेपर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो पास्ट पेपर आपको अगर मिल जाए तो उसको बार बार रिपीट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मिले तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँ। अगर आपके पास खासकर UBL के किसी टेस्ट के पास्ट पेपर हैं तो प्लीज़ हमारा नंबर, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, उस पेपर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूमात आपके मोबाइल के ऊपर मिलती रहें तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो आप सेव कर लें pakmcqs ऑफिशियल के नाम से, अपना नाम, अपने सिटी के नाम, अपनी तालीम और जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, 0300825333000, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। उसके बाद आपके पास हमारा स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा, हम कोई भी चीज़ पास्ट पेपर वगैरह सेंड नहीं करते, अगर हाँ आप हमें कोई चीज़ सेंड करते हैं तो हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, कोई अच्छी चीज़ जिस तरह अभी UBL के अगर पास्ट पेपर हैं तो हम उसके बदले में जो आपके पास बुक्स वगैरह चाहिए होगी तो कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एडवर्टाइजमेंट का लिंक और अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ये भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अप्लाई करने का जो है UBL की वेबसाइट पर जाएंगे, जो UBL की वेबसाइट पे जाएंगे तो एंड पे कैरियर देखें, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके सामने, जब कैरियर पे क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ है लिटरल हायर्स, तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा और आपके सामने ये इस तरह ये आ जाएगा, और यहाँ पे आप जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना, ये हायर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऊपर ऊपर कर्सर लेके आना, क्योंकि ये देखो नीचे होता है तब वो खुल के आ जाता है, तो आपको ये थोड़ा सा वेबसाइट में है इस तरह ऊपर ऊपर लेके आएंगे कर्सर अगर मोबाइल से, तो उसके बाद लिटरल हायर, ठीक है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज